बज बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, Shop No. 3, S2S Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं विजेता और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। यस बैंक के खाता धारकों के लिए ये अच्छी खबर हो सकती है कि SBI ने यस बैंक में 2450 करोड़ रुपए निवेश करने की बात कही है। आज SBI चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि यस बैंक में जमाकर्ताओं का पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। SBI बोर्ड ने यस बैंक में 49% तक हिस्सेदारी लेने की सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है। इस योजना पर कानूनी टीम काम कर रही है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने यस बैंक पर गुरुवार को सख्ती बढ़ाते हुए बैंक के निदेशक मंडल को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया था। साथ ही बैंक से धन निकासी की सीमा भी 50,000 रुपए तय कर दी थी। ग्राहक एक माह में इससे अधिक धनराशि नहीं निकाल पाएंगे। रिजर्व बैंक ने SBI के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी प्रशांत कुमार को यस बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया था। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को यस बैंक संकट पर कहा था कि बैंक द्वारा की बड़ी कंपनियों को 2014 से काफी पहले से कर्ज दिया गया था। इनमें अनिल अंबानी समूह, SSL, DHFL, ILFS और वोडाफोन उन संकटग्रस्त कंपनियों में शामिल हैं जिन्हें यस बैंक ने कर्जा दिया था। वह इन नामों का खुलासा इसलिए कर रही हैं क्योंकि विपक्षी दल उन पे उंगली उठा रहे हैं। सीतारमण ने इसके साथ ही यह भी कहा था कि यह सब सार्वजनिक है और वह ग्राहकों की निजता का उल्लंघन नहीं कर रही है। निजी क्षेत्र का यस बैंक काफी समय से बढ़ते डूबे कर्ज की समस्या से जूझ रहा था। बैंकिंग नियमों के अनुपालन के लिए बैंक को $2 अरब की जरूरत है, लेकिन पिछले 2 साल में कई निवेशकों से बातचीत के बावजूद भी यह राशि जुटाने में असफल रहा है। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि करीब 6 माह पूर्व भी PMC बैंक के रूप में एक बड़ा घोटाला सामने आया था और तब भी SBI ने ऐसे ही कदम उठाए थे। दरअसल 2004 में शुरू हुआ ये बैंक काफी समय से वित्तीय संकट में फंसा हुआ है। काफी समय से ये खबरें हवा में थी कि यस बैंक का भी हाल PMC बैंक जैसा ही होने वाला है, लेकिन हर बार ही ये कहते हुए बात को संभाला जा रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। PMC बैंक के बाद अब यस बैंक का जो हश्र हुआ है उसने सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया। हालांकि वित्त मंत्री सीतारमण कह चुकी हैं कि इसमें जमाकर्ताओं को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है, जल्द ही हालात पर काबू पा लिया जाएगा। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक के संस्थापक व संकट के सामने आने से पहले ही बोर्ड छोड़ चुके बैंक के पूर्व CEO राणा कपूर पर जांच शिकंजा कस दिया है। वो कहीं विदेश ना भाग जाए इसके लिए शुक्रवार को उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है। देर रात उनके कई ठिकानों पर भी ED की छापेमारी जारी रही। शनिवार को भी राणा कपूर मुंबई में ED दफ्तर पहुंचे। टीम उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। रिजर्व बैंक की पाबंदी के बाद रेटिंग एजेंसियों ने भी यस बैंक को झटका दिया। मूडीज ने RBI की पाबंदी को नकारात्मक बताते हुए बैंक की रेटिंग कम कर दी। ICRA ने भी यस बैंक की Tier 2 और Tier 1 बॉन्ड को लेकर रेटिंग पर कैंची चला दी है। RBI ने बैंक के नकदी संकट को देखते हुए 3 अप्रैल तक सिर्फ 50,000 रुपए निकालने की छूट दी है। हालांकि यह गनीमत रही कि इमरजेंसी में ग्राहक 5 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। इस खबर में बस इतना ही, तब तक देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।